हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मक्की की रोटी बनाना सिखा रहा हूँ। आपने मक्की की रोटी और सरसों का साग तो सुना ही होगा। देख सकते हैं, साग हमारा ऑलरेडी रेडी है। मैं मक्की का आटा आपको लगाना सिखा रहा हूँ। तो मक्की के आटे में हम थोड़ा सा नमक डाल लेंगे, और जब ये मक्की का आटा गुनेंगे तो मक्की के आटे को हल्का सा कुनकुने पानी से गुनेंगे तो आटा ज़्यादा अच्छा गुना जाता है। अब देख सकते हैं, हम पानी डाल के इसको अच्छे से गून रहे हैं। और मक्की का आटा आपके नॉर्मल आटे से अलग तरीके से गुना जाता है। तो आप देख सकते हैं, हम जैसे गुन रहे हैं आप भी वैसे ही आटा गुने अपना। हम जैसे आटा लगा रहे हैं आप देख सकते हैं, बिल्कुल उसी प्रोसेस से इसका आटा लगाया जाता है। अब देख सकते हैं, हमारा मक्की के आटे का डव तैयार हो गया है। अब हम इसकी रोटियां बना लेंगे। इसकी ये रोटियां आम रोटी जैसा आप इसको तवे पे नहीं, इसको आप चकले बेलन पे नहीं बेल सकते। तो इसके दो तरीके हैं, या तो कुछ लोग इसको हाथ में भी लेके थपकी दे दे के इसका बना लेते हैं रोटी शेप, और जिनसे वो चीज़ नहीं बनती है वो इसको कपड़ा या कोई आपके पॉलिथीन है उस पर रख के भी, जैसे आप देख रहे हैं वैसा थपकी दे दे के इसको शेप दे सकते हैं रोटी का। तो हम देख सकते हैं कि नैपकिन पे हमने थपकी दे दे के इसका रोटी जैसा इसको पूरा बेल लिया है। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देता हूँ, जैसे कई लोगों से नहीं बनती है पर आप हाथ में भी इसको थपकी दे दे के बना सकते हैं। देख सकते हैं, हमारी मक्की की रोटी हाथ पे भी हमने थपकी दे दे के बनाई और बन चुकी है। हम इसको सेकने के लिए हमने तवे में थोड़ा सा तेल लगा लिया है, ताकि ये रोटी जो है तवे पे चिपके नहीं है, नीचे नहीं लगे, और हम इसको तवे पे सेक लेते हैं। देख सकते हैं कि हमारी मक्के की रोटी एक तरफ से पक गई थी, हमने दूसरी तरफ अब पलट दिया है और वहाँ से भी अब पक चुकी है रोटी। देख सकते हैं, हमारी मक्की की रोटी पूरी रेडी हो चुकी है। तो हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे, तो इससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है, बहुत टेस्टी लगती है। और जो आपका साग है, साग में भी आप अच्छे से घी डाल के खाएं तभी उसका फ्लेवर आता है। हमारी साग और मक्के की रोटी रेडी हो चुकी है। उसके साथ जो मैंने आपको पहले दिखा चुका हूँ गाजर का अचार, वो मैंने साथ में रखा है। इसके साथ अगर आप गाजर का अचार खाए तो बहुत टेस्टी लगता है, इसका स्वाद काफी अच्छा बढ़ जाता है। आप ये रेसिपी जरूर तैयार तैयार करें और इसको खा के देखें, बहुत टेस्टी बनती है।